हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी बाजार में। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं सनराइजर हैदराबाद और आरसी के बीच जो आज 11th मैच होने वाला आईपीएल का शाम को 4 बजे, उसके बारे में। दोस्तों, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं तो आप फैंटेसी बाजार के बारे में ज़रूर देखिए, और क्योंकि हम यहाँ पर काफ़ी रिसर्च इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं। अगर आप डेली प्ले करेंगे तो कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और उससे अपने लिए अच्छा कर पाएंगे। जो ये मैच खेला जाएगा दोस्तों, ये होम ग्राउंड है सनराइजर हैदराबाद का, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। इस वीडियो में हम प्रोवाइड करने जा रहे वेन्यू के स्टेट्स के बारे में, टीम परफॉर्मेंस बताएंगे, बेस्ट प्लेयर बताएंगे, पिच कंडीशन के बारे में बताएंगे, एड टू स्टेट्स टीम, दोनों टीमों की परफॉर्मेंस क्या है, रिसेंट टीम न्यूज़ क्या बताते हैं, पॉसिबल चेंजेस, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 पे बात करेंगे। उसके बाद ट्राई करेंगे ड्रीम 11 की टीम कम्बिनेशन ग्रैंड लीग समार लीग के लिए। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट थी कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो जब भी डालो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, हम यहाँ पर काफ़ी रिसर्च के साथ आते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और मेहनत करने के लिए तत्पर होंगे। दोस्तों, अब तक आईपीएल में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सनराइजर हैदराबाद ने 2 मैच के लिए 1 विन किया, 1 लॉस किया, 2 पॉइंट के साथ वो 5th रैंक पे हैं। आरसीबी ने अपने दोनों मैच हार चुके हैं, 7th रैंक पे हैं। ये दोनों मैंने आपकी परफॉर्मेंस दिखा दी है। एक मैच इंपॉर्टेंट है जो अभी ये मैच खेला जाएगा हैदराबाद में, और हैदराबाद का एक मैच यहाँ पर हो चुका है राजस्थान रॉयल के खिलाफ। राजस्थान रॉयल ने उस मैच में 198 रन बनाए थे 2 विकेट पे, और सनराइजर हैदराबाद ने उसको चेज कर लिया था 201 रन 5 विकेट पे। आप देखेंगे उसमें जैसे संजू सैमसन ने शतक लगाया था और वार्नर ने बहुत ही अच्छी पारी खेली थी, साथ ही ब्रेस्टो का भी अच्छा योगदान था। अब बात करते हैं दोस्तों, इस ग्राउंड की साइज जो है काफ़ी बिगर है, बाउंड्रीज जो काफ़ी बड़ी है। आईपीएल के यहाँ पे 57 मैचेज हुए हैं, 22 जो फर्स्ट बैटिंग टीम करी है वो वन कर पाई है। बॉलिंग करते हुए आपको फर्स्ट टाइम पे 34 मैच जीतने का मौका मिला है। एवरेज स्कोर यहाँ पे 158 रहा फर्स्ट इनिंग का, सेकेंड इनिंग का 147 रहा है। हाईएस्ट स्कोर जो यहाँ पे चेंज हुआ है दोस्तों वो 217 है, रिकॉर्ड हुआ है 223, यानी कि हाई स्कोर यहाँ पे काफ़ी बन सकते हैं। रिसेंट जो मैंने आपको बता दिया है, इस ग्राउंड पर एक ही मैच हुआ अभी जो 29 तारीख को हैदराबाद में, और पेसर्स को उस मैच में 2 विकेट मिले थे, स्पिनर्स को 5 विकेट मिले थे। ओवरऑल कंपेरिजन यहाँ पे नाइट मैचेस का किया गया है दोस्तों, बाकी रिकॉर्ड ना होने के कारण फिर मैं बता देता हूँ। पेसर्स को यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा विकेट मिलते हैं और स्पिनर्स को सेकेंड इनिंग में ज़्यादा विकेट मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि अब स्पिनर्स ने इस मैच में सेकेंड इनिंग में ही ज़्यादा विकेट लिए थे। आईपीएल में दोनों टीमों के बीच 13 मैचेस खेले गए हैं, एक मैच टाई हुआ है, सनराइजर हैदराबाद ने 7 जीते, आरसीबी ने 5 जीते। लास्ट 5 मैचेस दोनों के टीमों के बीच होते हैं, हैदराबाद बहुत आगे है। अब बात कर टीम परफॉर्मेंस की इस ग्राउंड पे दोस्तों, आरसीबी ने 9 मैच खेले, 2 विन कर पाया है बस, और सनराइजर हैदराबाद का विन परसेंटेज यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, उन्होंने 38 मैच खेल के 26 मैच जीते। दोनों टीमों के बीच लास्ट के 6 मैचेस का रेशियो देखे तो हैदराबाद 5 मैच जीतने में कामयाब रहा है, 5 मैचेस का आपको, और हैदराबाद 3 मैचेस जीत पाया, आरसीबी 1 ही। जो रिकॉर्ड है चेजिंग का यहाँ पे दोस्तों, वो जो टीम जो टीम चेज करती है वो 5 बार वन कर पाई है। हैदराबाद का विनिंग रेशो काफ़ी ज़्यादा है, वो तीनों मैच जो लास्ट यहाँ पे खेले गए हैं आरसीबी के खिलाफ वो हैदराबाद ने जीते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट की बात करते हैं दोस्तों, बेस्ट प्लेयर कौन से इस ग्राउंड पर। वार्नर का आप रिकॉर्ड देखिए दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने 1360 रन बनाए हैं 28 पारियों में। उनका स्ट्राइक रेट देखिए दोस्तों, 163 रहा है। लास्ट की 6 इनिंग आप चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी रही हैं। वहीं आरसीबी के खिलाफ उनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है, 569 रन उन्होंने बनाए हैं, स्ट्राइक रेट भी काफ़ी अच्छा रहा है। लास्ट के 8 इनिंग में उन्होंने 7 कंजिक्यूटिव 50s लगाए हैं, आप चेक कर सकते हैं कितने खतरनाक हैं वो आरसीबी के खिलाफ। विलियमसन का भी रिकॉर्ड आरसीबी के खिलाफ काफ़ी अच्छा रहा है, 350 लगाए हैं, 4 मैचेज में 192 रन बनाए हैं। कोहली का भी अच्छा रिकॉर्ड रहा है,
हैदराबाद के खिलाफ है। उन्होंने 485 रन बनाए 11 पारियों में। और बात करें तो दोस्तों ए बी डी की हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने भी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ 350 लगाने के साथ ही अच्छे रन बनाए हैं। भुवनेश्वर अपने 4 विकेट से दूर हैं इस मैदान सनराइजर के साथ लेने में अपने 100 विकेट से। जो वेदर है दोस्तों वो क्लियर रहेगा क्योंकि कोई संभावना नहीं है। पिच के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट इनिंग में होती है वहाँ पे काफ़ी आपको फर्स्ट जो सिक्स आउट रहते हैं वो थोड़ी स्कोर कम देखने को मिला था। पिछले मैच में भी पेसर्स को ज़्यादा मदद मिलती है अर्ली ऑन और स्पिनर्स को सेकेंड इनिंग में ज़्यादा मदद मिलती है। और गुड बैटिंग ट्रैक है जैसे कि मोदी ने भी कहा था पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने लास्ट मैच में प्रूव भी हो गया ये बात। टॉस जो टीम जीतेगी वो बॉल करना पसंद करेगी पहले क्योंकि चेजिंग आराम से हो जाने की उम्मीद है। प्लेइंग 11 पे बात करते हैं दोस्तों सनराइजर हैदराबाद की तरफ से कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलने की उम्मीद है। वार्नर आएंगे ब्रेस्टो के साथ, दोनों काफ़ी अच्छे फॉर्म में है दोस्तों। एक मैच में वार्नर ने 85 और 69 रन बनाए, ब्रेस्टो ने 39-45 रन बनाए। केन विलियम्स ने एक मैच नहीं खेले, पिछले मैच में ठीक ठाक लग रहे थे। विजय शंकर बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी कंसर्न इनके लिए। पांडे और यूसुफ पठान की फॉर्म है। राशिद खान ने भी पिछले मैच में 8 बॉलों में 15 रन बनाए, साथ ही 1 विकेट लिए, इनके की प्लेयर हैं। भुवनेश्वर दो मैचेज़ काफ़ी महंगे हो रहे हैं और उनको कोई विकेट नहीं मिल पा रहा है। संदीप शर्मा आएंगे और सिद्धार्थ कौल और शहजाब नदीम को पिछले मैच में 1 विकेट मिला था, उनको लिया था ड्रॉप, दीपक हुड्डा को ड्रॉप करके। आरसीबी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे पार्थिव पटेल आएंगे। जो चेंजेस हो सकते हैं वो कॉलिंग डंकराम को टीम ड्रॉप कर सकते हैं, टीम साउथी को ला सकते हैं, नवदीप सैन को ड्रॉप करके वाशिंगटन सुंदर को ला सकती है। पार्थिव पटेल आएंगे ओपनिंग में मोइन अली के साथ, मोइन अली भी ठीक फॉर्म दे रहे हैं दोस्तों और पार्थिव पटेल भी ठीक फॉर्म में लग रहे हैं। विराट कोहली ने पिछले मैच में 46 रन बनाए हैं, ए बी ने 70 बनाए हैं, दोनों अच्छी फॉर्म में आ चुके हैं। एटमायर कुछ खास नहीं कर पाए, एक में 0-1-5 भी आउट हो गए। स्वयं दुबे भी कुछ खास नहीं कर पाए, कॉलिंग ड्रिग्राम भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी, 3 ओवर में 27 रन दिए बस। उमेश यादव ने पिछले मैच में 2 विकेट लिए, जिंदर चाह ने पिछले मैच में 4 विकेट लिए। उसके बाद सिराज, नवदीप सैनी में से मैंने एक्सपेक्टेड चेंजेस बता दिए आपको, उसके अकॉर्डिंग अगर टीम आफ्टर द टॉस आप टीम चुन सकते हैं। प्लेयर्स बैटल की बात करते हैं तो दोस्तों वार्नर और उमेश के बीच जो बैटल होती है, वार्नर को उमेश ने 3 बार आउट किया है, साथ ही वार्नर ने उनकी 40 बॉलों पर 58 रन बनाए हैं। कोहली और संदीप शर्मा में दोस्तों कोहली को 7 टाइम्स डिसमिस किया है संदीप शर्मा ने 9 इनिंग में। ए बी और राशिद में दोस्तों ए बी डी को राशिद ने 2 बार डिसमिस किया है, कोहली को राशिद ने 1 बार डिसमिस किया है। अब ड्रॉप करने में क्रेडिट इशू के करेंगे काफ़ी आपके लिए की फैक्टर्स हो सकते हैं। मस्ट पिक की बात करें तो दोस्तों डेविड वार्नर होंगे, केन विलियमसन, विजय शंकर, राशिद खान, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, युजवेंद्र चहल जो आपके रोटेशनल पिक हो सकते हैं, जॉनी ब्रेस्ट, भुवनेश्वर कुमार, मोइन अली, सैमन एटमर, उमेश यादव। दोस्तों हम यहाँ पे जो डिफरेंशियल पिक ले सकते हैं आप सिलेक्शन परसेंटेज चेक करके ले सकते हैं। फैंटेसी बाजार में हम आपको जो टीम एडिट करने का होता है वो होता है ड्रीम इलेवन, माई टीम इलेवन पे और हाला प्ले के, इन सब के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आपने हैं तो वहाँ से साइन अप हो सकते हैं। साथ ही मेरा रेफर कोड यूज़ करना ना भूलिएगा दोस्तों। और हम फैंटेसी बाजार में जो भी टीम प्रोवाइड करते हैं आपके रिसेंट फॉर्म, पिच कंडीशन को, पोजिशन को देखते हुए करते हैं। इस एनालिसिस से मैंने दोस्तों टीम बनाने की कोशिश की है ड्रीम इलेवन पे, आपको मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ अपनी टीमों का। जो फर्स्ट टीम है वार्नर और कोहली के साथ गया हूँ दोस्तों, ब्रेस्टो भी अच्छी फॉर्म में, वार्नर भी, साथ ही विजय शंकर, शर्मा और राशिद खान, इनके दोनों के रिकॉर्ड को देखते हुए मैंने इनको चूज किया है। इसमें एक कमी बस ग्रांड को हम के हो सकता है, इनको ड्रॉप किया जाए, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको चेंज कर लूँगा। बाकी एटमायर और ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन और काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं आज की विकेट पे क्योंकि विकेट काफ़ी बैटिंग फ्रेंडली है। मोइन अली भी आप ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। दूसरी टीम मैंने बनाने की कोशिश करी है ब्रेस्ट और ए बी डिलीवर्स के साथ, वही टीम है बस, मैंने सिद्धार्थ कौल को लिया है दोस्तों और सिराज को लिया है, साथ ही मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन का कॉम्बिनेशन अलग किया है।
जो थर्ड टीम बनाई है वो ग्रैंड लीग के लिए है दोस्तों। इसमें मैंने विलियमसन को और मोइन अली के साथ गया हूँ और चहल और नदीम के साथ गया हूँ। दोनों स्पिनर्स हैं, यहाँ पे स्पिनर्स को विकेट मिले हैं पिछले मैच में भी उसके अकॉर्डिंग को देखते हुए। तो आप इस टीम अगर ग्रैंड ओम नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह पर किसी और को चुन सकते हैं क्रेडिट इशू को मेंटेन करते हुए। उम्मीद करूँगा कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और अपने लिए इस एनालिसिस से कुछ अच्छी टीम बना पाएंगे और कुछ अच्छा विन कर पाएंगे। लास्ट में आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट थी कि अगर आप अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।